अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मायूस कौन कारकर्दगी की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला किया है कि कप्तान और टीम को बहुत सी तब्दीलियों की ज़रूरत है। सबसे बड़ी तब्दीली यही होगी कि पाकिस्तान से क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद को तब्दील किया जाए, जिसकी बैटिंग लाइनअप बिल्कुल ही कमज़ोर है। और इसके बाद कप्तान कौन बनाया जा सकता है? सबसे ज़्यादा वोट बाबर आजम को मिल रहे हैं, उसके बाद यासिर शाह और असद शफीक इसके उम्मीदवार हैं। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान के टेस्ट कैप्टन कौन होने चाहिए, मुझे कमेंट करके जवाब ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों कमेंट ज़रूर कीजिएगा बाबर आजम के या यासिर शाह या असद शफीक के बारे में। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को नीचे सब्सक्राइब कर लें मज़ीद ऐसी वीडियो के लिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।